मद्रास हाईकोर्ट की खबर से, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मंगलवार को ईशा फाउंडेशन के आश्रम की तलाशी ली है और पुलिस ने आश्रम में रहने वाले लोगों और कमरों की जांच की है। हालांकि ईशा फाउंडेशन ने इसे सिर्फ एक सामान्य जांच बताया है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों पुलिस ईशा फाउंडेशन पहुंची है, देखिए इस रिपोर्ट। योग गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव के कोयम्बटूर स्थित ईशा फाउंडेशन आश्रम में मंगलवार को पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस टीम में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 150 पुलिस कर्मी और 3 डीएसपी शामिल थे। ये छानबीन मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुई जिसमें फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट का यह आदेश एक याचिका के संदर्भ में था जिसमें फाउंडेशन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज ने याचिका में दावा किया था कि उनकी दो बेटियों को ईशा फाउंडेशन के आश्रम में जबरन रोका जा रहा है। फाउंडेशन उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें सन्यासी बनने के लिए मजबूर कर रहा है। ये भी आरोप है कि फाउंडेशन ने उनकी बेटियों को भोजन और दवाइयां दी जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है और उन्होंने अपने परिवार से दूरी बना ली। इस पर अदालत ने पुलिस को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। वहीं ईशा फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि पुलिस केवल सामान्य जांच के लिए आई थी और इस बीच कोर्ट में पेश दोनों बेटियों ने कहा कि वो अपनी मर्जी से वहां रह रही हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने बेटियों के बयान के बावजूद फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के इरादों पर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि वासुदेव ने अपनी बेटी की शादी कर दी है लेकिन अन्य युवतियों को संन्यास लेने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं। इस पर फाउंडेशन के वकील ने कहा कि वयस्कों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। अदालत ने फाउंडेशन से जुड़े अन्य आपराधिक मामलों पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने इस मामले में 4 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है जिसमें फाउंडेशन के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों की जानकारी शामिल होगी। वहीं ईशा फाउंडेशन ने अपनी सफाई में कहा कि वो किसी को सन्यासी बनने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत विकल्प होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।